हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वोल्टेज डपलर एंड ट्रिपलर सर्किट के एक्सपेरिमेंट को कैसे स्टडी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले आपको इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है कि वोल्टेज डपलर एंड ट्रिपलर सर्किट का मतलब क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो किट है, इसी किट से हम स्टडी करेंगे वोल्टेज डपलर एंड ट्रिपलर सर्किट को। इसमें जो ये फर्स्ट सेक्शन है, ट्रांसफॉर्मर सेक्शन, इसी की हेल्प से हम वोल्टेज एंड डबलर सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे कि आप अपने अपरेटर्स को जब आप अपने सॉकेट से कनेक्ट करते हैं, तो उस सॉकेट से 220 वोल्ट की जो वोल्टेज मिलती है हमें एसी, वो एसी यहाँ जाती है प्राइमरी कॉइल्स, इसे हम प्राइमरी कॉइल्स बोलते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मर सेक्शन है, ये जहाँ पर जो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, वो ट्रांसफॉर्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का मतलब ये होता है कि स्टेप डाउन करता है जो वोल्टेज हमने बाहर से दी, उसको स्टेप डाउन मीन्स उसको डाउन कम वोल्टेज पर लेके आता है। तो वो जो कम वोल्टेज है वो डिपेंड करती है सेकेंडरी कॉइल्स पर, कि जितनी नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स ज़्यादा होती हैं और उतनी ही इंडक्शन ज़्यादा होगी, उतनी आपको वोल्टेज मिलेगी। तो मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि सेकेंडरी वोल्टेज कितनी आ रही है, तो मैं इसे वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो जैसे ही हम वोल्टमीटर में यहाँ देखेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे 4 to 6 वोल्ट की आपको यहाँ वोल्टेज मिलेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने 220 वोल्ट दी और आपको सिर्फ 6 वोल्ट मिली, इट मीन्स वो वोल्टेज स्टेप डाउन हो गई। बट अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स इन दोनों के बीच में आई है, ये सिम बहुत कम, तो इट मीन्स इंडक्शन बहुत ही कम हुई और बहुत ज़्यादा स्टेप डाउन हो गई वोल्टेज। अगर आप थोड़ी हाई वोल्टेज चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सिर्फ इस V2 को कनेक्ट करना है आपको और इस ग्राउंड को यहाँ से। अब आप जैसे कि देख सकते हैं इस V2 और ग्राउंड के बीच में ये दी नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ गई, इट मीन जितनी नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स बढ़ेंगी उतनी इंडक्शन ज़्यादा होगी। तो जैसे ही आपको अगर V1 पर 4 मिल रही थी, तो V2 पर आपको 8 मिलनी शुरू हो जाएगी। ये जो मैंने कनेक्शन ड्रॉ किए हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए हैं। आगे जब एक्सपेरिमेंट अभी हम शुरू करेंगे, तो उसमें वायर्स लगा के हम देखेंगे कि हाँ, जैसे जैसे सेकेंडरी कॉइल्स बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपके पास जो वोल्टेज यहाँ पर शो होगी वो ज़्यादा होगी। उसके बाद आपको इस जो स्टेप डाउन वोल्टेज है, इसको हमें अब आगे भी भेजना है। इसे आगे भेजने के लिए मान लीजिए मैंने इस V1 को इससे कनेक्ट किया है और इसको ग्राउंड से, तो मान लीजिए आपको यहाँ वोल्टेज मिली 4। अब आप इस 4 वोल्ट को आगे भेजना चाहते हैं, तो इस 4 वोल्ट को आगे भेजने के लिए आपको एक और कनेक्शन करना पड़ेगा ऐसे। तो इसमें पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, 220 वोल्ट सॉकेट से आई, वो 220 वोल्ट स्टेप डाउन हुई 4 वोल्ट में, और उस 4 वोल्ट को आपने भेजा डबलर एंड ट्रिपलर सर्किट में। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है वोल्टेज डबलर एंड ट्रिपलर सर्किट। अब इसके बाद के जो कनेक्शन है, हम इसके बाद के कनेक्शन देखेंगे अभी आगे जो एक्सपेरिमेंट जब हम शुरू करेंगे उसमें देखेंगे। अब इससे ये समझना है हमने कि डबलर एंड ट्रिपलर सर्किट करेगा क्या इस 4 वोल्ट का। डबलर सर्किट उस 4 वोल्ट एसी, अभी भी एसी ही चल रही है, 220 वोल्ट पीछे भी एसी थी, वो स्टेप डाउन होके 4 वोल्ट एसी हो गई। अब डबलर जो है उस 4 वोल्ट एसी को पहले तो डीसी में कन्वर्ट भी करेगा, और वो जो डीसी होगी वो 8 वोल्ट की होगी, मीन्स वो डबल होगी पीक वोल्टेज एसी के। तो फाइनली हमें ये पता लगा कि डबलर एंड ट्रिपलर सर्किट में कि अगर हम इस सर्किट में 4 वोल्ट एसी देंगे, तो डबलर ट्रिपलर दोनों ही उस वोल्टेज को पहले तो डीसी में कन्वर्ट करेगा, बट डबलर जो है उस 4 वोल्ट जो पीक वोल्टेज हमने एसी की दी प्रोवाइड की आगे, वो 4 वोल्ट 8 वोल्ट डीसी में मिलेगी हमें। मतलब 4 वोल्ट एसी इज कन्वर्टेड इनटू 8 वोल्ट डीसी, वोल्टेज भी डबल हुई और वो एसी डीसी में भी कन्वर्ट हुआ। ऐसे ही अगर आप ट्रिपलर सर्किट को कनेक्ट करेंगे जब हम, तो वो 4 वोल्ट 12 वोल्ट डीसी में मिलेगी, मीन्स ट्रिपल होकर मिलेगी। तो ये है मतलब वोल्टेज डबलर एंड ट्रिपलर सर्किट का। तो चलिए अब हम अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये जो ग्राउंड है इसको ग्राउंड से, उसके बाद हमें इन वोल्टेज को आगे भी भेजना है, तो इसके लिए आपको एक और कनेक्शन करना पड़ेगा यहाँ से, और इसे आगे भेजना है वोल्टेज को अगर। आप सबसे पहले हम करेंगे डबलर की स्टडी, डबलर की स्टडी नीचे से करेंगे, और ट्रिपलर की स्टडी करने के लिए हमने यहाँ कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले हम डबलर की स्टडी करेंगे। उस डबलर की स्टडी के लिए सबसे पहले आपको वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव से कनेक्शन होगा,
और नेगेटिव का नेगेटिव से। ओके एंड देन अब इसकी जो आउटपुट है उसको हमने वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया है। अब उसके बाद इसकी आउटपुट को हमें एमीटर से कनेक्ट करना है और करंट भी नोट करना है, तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस का यूज़ करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स का। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये कनेक्शन कर लिया हमने रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इस पॉजिटिव से ये जो नॉब है किसी से भी, या इस वायर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर लीजिए या इसको कर लीजिए, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। तो देखिए पॉजिटिव को कनेक्ट किया, करंट यहाँ से गया और यहाँ से इसे रेजिस्टेंस मिला जो आप ऑन करेंगे, और देन ये जाएगा अगेन किस में, वोल्ट एमीटर के पॉजिटिव में। मीन्स इसके अब रास्ते में रेजिस्टेंस आ गया, करंट यहाँ से जा रहा है, बीच में ये रेजिस्टेंस आया, उसके बाद यहाँ से चल के पॉजिटिव में चला गया, और एज अपने नेगेटिव को डायरेक्ट यहाँ से करना है कनेक्ट, दैट्स इट। तो चलिए अब इसे ऑपरेटर्स को ऑन करते हैं। ऑपरेटर्स को ऑन करने से पहले आपको एक प्रिकॉशन ध्यान में रखना है कि आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस निकाल के रखना है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस नहीं रखेंगे तो जैसे ही ऑन करेंगे देखिए यहाँ पर आउट ऑफ स्केल चला जाएगा। तो इसे नहीं करना, अगर ऐसे बिना रेजिस्टेंस निकाले आपने अगर अपने ऑपरेटर्स को ऑन किया तो ये मीटर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको 2000 का, अगर मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2000 का निकाला है, यहाँ पर 2000, इट मीन्स 2000 ओम का रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट के लिए। तो अब इसे करेंगे हम ऑन, तो आप देख सकते हैं तीनों के तीनों मीटर्स में रीडिंग आ गई है। तो अब रीडिंग कैसे लेनी है, अब रीडिंग के लिए क्या करेंगे, 2000 ओम का रेजिस्टेंस मैंने निकाल रखा है, अब इसे करते हैं ऑफ। ये है आपका ऑब्जर्वेशन टेबल डबलर के लिए, बिकॉज मैंने अभी देखिए यहाँ पे डबलर कनेक्ट किया है, तो डबलर के लिए हम स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं वी आर एम एस लिखा हुआ है, वी आर एम एस मतलब जो आपने इनपुट वोल्टेज दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर स्पेशली कि पीक रीडिंग दे रखी, तो हमारे पास पहले से पीक दे रखी है, यहाँ पर पीक रीडिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट इस रीडिंग को इस ब्लॉक में लिखेंगे, हमें इस ब्लॉक की अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बार बार हम चेंज करेंगे और उसके विद रिस्पेक्ट टू हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे और आउटपुट करंट लेंगे, ये रेजिस्टेंस आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट, जो ये रेशो है वी आउटपुट अपॉन वी वोल्टेज। अब हम डबलर सर्किट स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें आपको पता होगा, अब मैंने जैसे पहले बताया है कि इनपुट वोल्टेज को डबल करेगा, अब ये थी इनपुट, तो इट मीन्स आउटपुट वोल्टेज डबल आनी चाहिए, मतलब अगर आपने इनपुट दी है 4 तो यहाँ क्या आना चाहिए 8, यानी कि 8/4 का रेशो क्या आना चाहिए 2, इट मीन्स हमारी आउटपुट क्या होगी डबल। और ट्रिपलर के केस में होगा आपकी, यहाँ अगर आपने दे रखी है 4 तो यहाँ हो जाएगा 12, और इनका रेशो क्या होगा 3। तो अब डबलर स्टडी करते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैंने इस पेज पर टेबल ड्रॉ कर रखा है, रेजिस्टेंस मैंने ये वाले ले रखे हैं 2000, 2500, 3000, 400 एंड 4500, यही तीनों पे लेना है। अब ये 3 वोल्टेजेस क्या हैं ये मैं बताता हूँ अभी आपको। ये आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये कॉइल लगी हुई है, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। अब जैसे ही कॉइल को मैं बढ़ाऊँगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया, और जैसे ही आप थर्ड पे क्लिक करेंगे अगेन इंक्रीज़। तो मीन जितनी नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स बढ़ेंगी उतनी आपकी ये इनपुट वोल्टेज बढ़ती जाएगी। तो हमें तीनों वोल्टेज को स्टडी करना है, तो पहले इस वोल्टेज पे डबल हुआ या नहीं, फिर इस वोल्टेज पे डबल होगा, फिर इस वोल्टेज पे डबल होगा। तो फर्स्ट V1 इनपुट पे देखते हैं, V1 हमारी इनपुट देखते हैं कितनी है और रीडिंग नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम V1 पे देखते हैं कि कितनी वोल्टेज हमारी डबल होगी या नहीं। तो V1 पे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हमारी है 4, तो इस पे लिखते हैं यहाँ पर 4। लोड रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया वो हम यहाँ डालेंगे लोड रेजिस्टेंस को। तो मैंने यहाँ पहले लिख रखा है कि 2000 का लोड रेजिस्टेंस हमें डालना है फर्स्ट, तो 2000 मैंने यहाँ से निकाल रखा है, ये देखिए 2000 की नॉब निकली हुई है, इट मीन्स 2000 का लोड रेजिस्टेंस मैंने यहाँ डाला हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट वोल्टेज है 4, रेजिस्टेंस निकाला हुआ है 2000, और हमारी जो आउटपुट वोल्टेज आ रही है वो आ रही है 8, और हमारा जो आउटपुट करंट है वो आ रहा है 4। तो इसे नोट कर लेते हैं, फर्स्ट डीसी वोल्टेज है 8, लोड करंट है ये वाला 4। अब आप देख जैसे ही देख सकते हैं, देखिए 4 दिया था और कितना आया 8, इट मीन्स इनकी रेशियो क्या होगी 2, तो हमारी वोल्टेज क्या हो रही है डबल। ठीक है, ऐसे करके आप 2500 पे भी ले सकते हैं, और 2500 के लिए आपको इसी वोल्टेज पे लेना है, 2500 के लिए आपको डालनी है रेजिस्टेंस 2500, 2000 तो निकाला हुआ है, 500 और निकाल देते हैं,
देखिए 2500 हो गया। अब आप अगेन रीडिंग लीजिए, इनपुट तो देखिए अभी भी 4 दे रखी है, इनपुट अभी भी 4 है, तो सेकंड में भी क्या रहेगा 4। और उसके बाद यहाँ पर हमारी डीसी वोल्टेज है हमारी 8, अगेन देखिए 8 ही आ रही है वहाँ पर, और आउटपुट करंट हमारा आया 3। देखिए करंट डिक्रीज हो रहा है और ये कांस्टेंट चल रहा है, यहाँ भी देखिए डबल हो गया और रेशो कितना आया 2। ऐसे करते करते आप 3000 के लिए आपको क्या करना है, मैं आगे रीडिंग लेनी नहीं बता रहा, बस डायरेक्टली आपको ऐसी रीडिंग लेनी है। 3000 के लिए आपको ये वाला भी रेजिस्टेंस ये वहाँ डालना है आपको 500 का वापस, और 2000 निकला हुआ है, 1000 और निकाल दें तो कितना बन जाएगा 3000। 4000 के लिए आपको ये 2000 निकालना है, 2000 के निकल गए तो 4000, अगर आपको 4500 का निकालना है तो ये 500 और निकाल दिया, तो टोटल कितना हो गया 2000 प्लस 2000 प्लस 500। और ऐसे करते करते आपको सबकी रीडिंग ले लेनी है, और हमेशा इस पूरी रीडिंग में हमने जैसे 5 रेजिस्टेंस निकाली है और हमारी इनपुट वोल्टेज तो हमेशा 4 ही रहेगी, तो आपको यहाँ 4 4 ही लिखना है, 4 4 एंड 4। बाकी आपकी डीसी वोल्टेज जो है आप यहाँ से नोट करेंगे और करंट आप यहाँ से नोट करेंगे, और जो रेशियो निकलेगी आपकी अप्रॉक्स 2 के आसपास चलेगी, क्योंकि यहाँ पर डबलर को स्टडी कर रहे हैं। अब सेकंड वोल्टेज के लिए आपको करना क्या है, आप डायरेक्ट सारे के सारे ये रेजिस्टेंस डाल दें इसके अंदर, सिर्फ 2000 का बाहर निकाल कर रखें, क्योंकि हमें पहले अगेन 2000 चाहिए, तो मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है 2000। और मैं पहले ही बताया था प्रिकॉशन में, हम सारी की सारी रेजिस्टेंस को यहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ से डालेंगे तो ये आउट ऑफ स्केल चला जाएगा और ये ख़राब भी हो सकता है, इसलिए 2000 हमें या कोई ना कोई रेजिस्टेंस निकाल के रखना ही है आपको। तो सेकंड में क्या करना है, इसको निकाल के आपको कर देना है B2 पर, बस अब देख सकते हैं, देखिए वोल्टेज बढ़ गई, अब वोल्टेज हमारी B2 की आई है, अब B2 की वोल्टेज वहाँ आ रही है 6, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी इस ब्लॉक के लिए, तो 6 6 6 6 एंड 6। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन आपको 2000 पे लेना है, 2000 मैंने निकाल रखा है देखिए यहाँ पर 2000, और आपको फिर क्या लेना है, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज हमारी आ रही है 12 और आउटपुट करंट आ रहा है 6, रेशो देखिए अगेन कितना आया 2। देखिए फिर डबलर का काम कर रहा है, अगेन आपने अभी भी देखिए इनपुट वोल्टेज तो अभी भी सेम है, बस रेजिस्टेंस को वेरी करना है। अब 2500 निकालनी है, इट मीन्स 2000 तो निकली हुई है, 500 और निकाल दी, फिर से रीडिंग ले लेने, आउटपुट वोल्टेज आपकी अभी भी आ रही है 12, आउटपुट वोल्टेज ये रही और आउटपुट करंट 5 एंड अगेन रेशियो इज 2। और ऐसे करते करते इन रेजिस्टेंस की अभी रीडिंग ले लेंगे 3000 4000 एंड 4500। तो ये है ऑब्जर्वेशन टेबल डबलर सर्किट के लिए। जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन टेबल में देख सकते हैं कि फर्स्ट में जैसे हमने 4 वोल्ट सप्लाई दी आगे एसी, तो वो डीसी में भी कन्वर्ट हुई और 8 वोल्ट मीन्स डबल भी हुई। उसके बाद 6 वोल्ट जब अप्लाई की तो 12 मिली एंड 8 अप्लाई की तो 16 मिली। उसके बाद हमने साथ साथ लोड रेजिस्टेंस चेंज करके भी वैल्यू ली, तो उसमें हमें ये देखने को मिला कि विद इंक्रीज इन लोड रेजिस्टेंस लोड करंट डिक्रीजेस। तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन ये देखिए 3 वोल्टेजेस पर हमने वैल्यू ली है, तो इसके साथ 2 ग्राफ्स हमें ड्रॉ करने हैं, वो ग्राफ्स हैं ये। फर्स्ट जो ग्राफ है वो है वी आउटपुट मीन्स आउटपुट वोल्टेज और लोड रेजिस्टेंस के बीच में। देखिए जैसे जैसे रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज कैसा बिहेव कर रही है हमें ये देखना है। तो जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन टेबल में देख सकते हैं, ये देखिए विद इंक्रीज इन लोड रेजिस्टेंस आउटपुट वोल्टेज रिमेंस कॉन्स्टेंट। सेकेंड जो है ग्राफ है वो ग्राफ है लोड रेजिस्टेंस और लोड करंट के बीच में, वो तो अभी मैंने आपको जैसे बताया विद इंक्रीज इन लोड रेजिस्टेंस लोड करंट डिक्रीजेस, मीन्स आपके पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे जैसे लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट डाउन हो रहा है। तो ये जो पूरी ऑब्जर्वेशन थी वो थी डबलर सर्किट के लिए। अब हम स्टडी करते हैं ट्रिपलर सर्किट को। तो इसके बाद हम अब ट्रिपलर सर्किट की स्टडी करेंगे। इसके लिए देखिए अरेंजमेंट बिल्कुल यही रहेगा, तो सबसे पहले हम वोल्टेज V1 पे लेके आते हैं दोबारा से इसको, ये देखिए अब ट्रिपलर ये है एंड डबलर की स्टडी के लिए आपको यहाँ कनेक्शन करने थे, तो आपको ये वाले कनेक्शन उठा के बस सिंपली यहाँ उठाने। देखिए नेगेटिव का था तो आपको नेगेटिव के टर्मिनल्स में डाल देना है ये सारा कुछ दोनों वायर्स, और पॉजिटिव अगर था ये तो आपको पॉजिटिव टर्मिनल में डाल देना, सिंपल। और अब ये आपका ट्रिपलर सर्किट हो गया कनेक्ट। ओके
अब इसे ऑन करने से पहले वही मैंने प्रिकॉशन बताई थी। देखिए यहाँ पे अभी एक भी रेजिस्टेंस नहीं निकाला। अब इसे ऑन करूँगा तो ये आउट ऑफ स्केल चला जाएगा और ये ख़राब होने का खतरा होता है। तभी हमने रेजिस्टेंस डालना बहुत ज़रूरी है। तो सर्किट में हमने सबसे पहले देखिए वही ब्लॉक रहेगा, वही जो ऑब्जर्वेशन टेबल वही रहेगी आपकी। बस आपको यहाँ पर अब ट्रिपलर के लिए रीडिंग लेनी है, वही आपकी इनपुट रहेगी, आउटपुट एंड आउटपुट करंट। तो सबसे पहले हम 2000 निकालना है, तो 2000 पहले निकाल लेते हैं, ये देखिए। उसके बाद आपको अपने सर्किट को ऑन करना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट आपकी जो इनपुट है वो आ रही है 4। तो देखिए यहाँ लिखूंगा मैं वी आउटपुट पीक, ऊपर लिखा हुआ है पीक है, तो हम सिंपल यहाँ पर इस ब्लॉक में लेंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब 4 एंड 2000 पे मैंने देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल दिया। और अब यहाँ पर लीजिए, अब आप यहाँ पर लीजिए आउटपुट वोल्टेज, और आपकी आउटपुट वोल्टेज आ रही है 11 और करंट आ रहा है 5.5। और आपकी जो इनकी रेशियो है 2.75। अब देखिए ट्रिपलर था, तो देखिए इसने 4 की जो इनपुट दी और इसने 11 बना दिया, मीन्स 3 के अप्रॉक्स इसने ट्रिपल कर दी वोल्टेज को जब हम ट्रिपलर सर्किट को कनेक्ट किया। सेकंड, अब आपको 2500 पे देखना है, 2000 निकला हुआ है, अब आपको 500 निकालना है बाहर। अब देखिए 2000 प्लस 500, अब दोबारा से रीडिंग लेंगे। देखिए इनपुट तो अभी भी 4 दे रखी है और हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है 11, अगेन 11 है यहाँ पर, और यहाँ पर आई है 4, और इसकी भी रेशियो होगी 2.75। तो देखिए ऐसे करते करते 3000 4000 एंड 4500 पे आपको रीडिंग ले लेनी है। और इसमें आपको इस ब्लॉक में आपको ये पता लगा, आपने 4 दिया तो 11 की अप्रोक्स रीडिंग आ रही है और इनकी रेशियो आ रही है 2.75। बस मतलब इसने हमारी इनपुट वोल्टेज को कर दिया ट्रिपल। उसके बाद हम लास्ट V3 पर देखते हैं। इसके लिए आपको अगेन क्या करना है, इसको करना है यहाँ पर कनेक्ट। नंबर ऑफ कॉइल्स और ज़्यादा बढ़ गई तो इनपुट वोल्टेज भी बढ़ेगी, और अब आपकी इनपुट वोल्टेज यहाँ पर है 8, यहाँ से 8 वोल्टेज है। रेजिस्टेंस आपको देना है 2000, मीन्स बाकी सारी हम डाल देते हैं वापस अंदर, और सिर्फ 2000 का ओपन है यहाँ पर। अब आप लेंगे यहाँ से रीडिंग, ये रहा आउटपुट वोल्टेज और ये आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज आपकी आ रही है 21 और यहाँ पर है 10.5, इसकी रेशियो आ रही है 2.62। अब लास्ट वाला लेके देख लेते हैं, एक 4500, 4500 के लिए अगेन 2 2000 के हो गए और एक 500 का। इसमें आपकी रीडिंग है यहाँ पर 23, करंट आ रहा है 5 एंड रेशियो इज 2.87। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली 3 के अप्रोक्स है। इट मीन्स तीनों वोल्टेज हमने देख लिए यहाँ पे, ये पता लगा कि तीनों वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज थी इसको इस सर्किट ने कर दिया ट्रिपल। पिछले वाले में इसने इसी वोल्टेज को क्या किया था डबल, और अभी इसी सेम इनपुट वोल्टेज को यहाँ क्या हो गया ट्रिपल। इट मीन्स ये ट्रिपल सर्किट को अब हमने स्टडी कर लिया है। ऐसे आप सारे रेजिस्टेंस पे रीडिंग ले लेंगे तो आपकी रीडिंग आएगी ऐसे। तो आप देखिए यहाँ पे रीडिंग्स ले ली हमने, तो रीडिंग से आपको पता लग रहा है, देखिए 4 दी थी तो 11 आया, और अब अप्रॉक्सीमेट 2.75। और यहाँ पर जैसे जैसे वो इनपुट वोल्टेज, आप अलग अलग इनपुट वोल्टेज पे आप रीडिंग्स ले रहे हैं और आपकी आउटपुट वोल्टेज ट्रिपल हो रही है। इट मीन्स ये ट्रिपलर सर्किट की ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई हमारी। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल है ट्रिपलर सर्किट के लिए। डबलर सर्किट की तरह ही इसके अंदर भी दो ग्राफ बनेंगे। फर्स्ट जो ग्राफ है वो है लोड रेजिस्टेंस और आउटपुट वोल्टेज के बीच में, और जो सेकंड जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा लोड रेजिस्टेंस और लोड करंट के बीच में। ये दो ग्राफ डबलर में भी बनेंगे और यही दो ग्राफ ट्रिपलर के केस में भी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट में बस इतना ही था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।